याद रहे, जब आप सोते हो तब आपके माँ बाप जगते हैं, यह सत्य है, परम सत्य है। क्यों जगते हैं? आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? वह परेशानी दूर करने के लिए जगते हैं। महाराज, जब हमारा विश्राम का काल होता है तब हमारा भगवान भी जगता है, और जगता ही नहीं है, जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि जब अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार बढ़ जाता है तो वो सोचता है कि कहीं हमारे बच्चों में यह प्रभाव ना डाल दे, कहीं हमारे भक्त ऐसे बिगड़ ना जाए, कहीं हमारे भक्त भटक ना जाए, या कहीं हमारे भक्त इससे व्यथित ना हो जाए, दुखित ना हो जाए, इसलिए वह अवतार लेता है और अवतार लेकर के हम सबकी रक्षा करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी मैं अवतार लेता हूं। क्या करने के लिए? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापिनार्थाय संभवाम युगे युगे। संत जनों की, भक्त जनों की रक्षा के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। दुष्कृताम, जो दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मैं उनका विनाश करता हूं, मैं उनको मारता हूं, मैं उनका हनन करता हूं। धर्म संस्थापिनार्थ हर युग में संभवाम युगे युगे। केवल सतयुग में ही जन्म लूं, द्वापर में ही लूं, त्रेता में ही लूं, कलयुग में नहीं लूं, ऐसा नहीं, युगे युगे हर युग में मैं अवतरित होता हूं। बाप याद रहे, आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बेला में हैं। आज अपने भी शरीर रूपी नंदमहल में